कितना खूबसूरत लग रहा है। रुको रुको, नहीं हमें शिकार भी कर रहे हैं ना, आगे रुकेंगे फिर तो बैठते जाए। शेर का शिकार करेंगे आज, शेर देखेंगे शिकार करेंगे। आपने देखा मुझसे शेर कभी? अब खत्म हो गई बर्फ, अब कैसे जाएंगे? इधर क्या देखना है बच्चा बच्चा? देखो ना आगे, देखो कितनी बर्फ है, वो देख बर्फ, वो देखो आगे वाला पहाड़ देखो, ये है। मूसा है और सर्दी बहुत है, मम्मी पापा है। बीघा बीघा है समा, बर्फ कितना प्यारा स्लाइड मार इधर होगा, देखो कितनी बर्फ है यहाँ पे। मुसा देख कितना खूबसूरत लग रहे हैं, वो देख सुनबाई, कितनी खूबसूरत चट्टान है, बदलवा कितना खूबसूरत है। स्विट्जरलैंड भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, हद खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत जगह है किसने देखी होगी। देखो इधर से ही देखा था हमने, इधर से वो देखो, वो देखो सुन पाए। बस आप क्या कर रहे हो, बस गिर जाओगे। बोलो हम चले, हम चलो करो स्टार्ट गाड़ी। बोलो क्या ना चाहिए, ओए तूने कपड़े मुझे तो हां कोई तरह की चीज नहीं पर रहा है, बर्फ तो देखी ना, बर्फ भी बर्फ, बर्फ भी बर्फ जब हमारी साइड होती है। मत बना, बर्फ तो बर्फ कैसे देखेगा घर में, थोड़ी सी बर्फ घर चलाई होती। उसे क्या बोलते हो, नानी के लिए चलाएगा थोड़ी सी बर्फ? मुझे नानी के लिए चलाएगा, नानी के लिए चलाएगी थोड़ी सी बर्फ। अच्छा तेरा लंबा ही चक्कर है कुछ,
कहाँ? वो देखो कितना खूबसूरत, वो ऐसे ऐसा रोड किसी ने देखा ही नहीं होगा खूबसूरती का। कितनी बर्फ पड़ी है, अगर ध्यान से चलाना गाड़ी। अभी आगे आगे ज्यादा बर्फ होगी ना मूसा, फिर रुकेंगे हम वो देखो। कितना खूबसूरत लग रहा है, तो जरा तुला वीडियो यार, फोटो तुला वीडियो, ऐसे मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा। बाइक पे भी लोग जा रहे हैं, कितनी खूबसूरत लग रही है ये जगह। अगर मेरे को गलत सुनिए तो अपनी साइड से उठाती वीडियो। पंजे हम देख रहे हैं, वाओ, ये देखो यहाँ से शेर गया हुआ है, वो शेर के पंजे। कितनी अच्छी लग रही है बर्फ। पीला कलर वाओ, ये है बैंगनी कलर, इसको मैं बोलती बैंगनी कलर वाओ। उसकी तो मैं ओरिजिनल शक्ल देखी थी जब पहले थी, मैंने उसकी वो स्क्रीनशॉट उठा के रखा, देखना जरा वो कितनी कैसी थी। ओहो, इतनी मोटी, पता नहीं उसने क्या किया, एक साल के अंदर अंदर वो इतनी अजीब होगी, पतली भी तो और खूबसूरत, पहले ही थी क्या। मैंने तेरे लिए रख दी उसकी स्क्रीन शॉट उठा के, मैंने कहा मैं उसकी खसरत दिखाऊंगी, आज वो इतनी हिट होगी तो वाह वाह करते करते। मुझसे जरा बोलो, आप ही बोलो, ब्लैक कलर नहीं, वैसे बोलो, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग, सो एलिगेंट, so beautiful, just looking like a wow. Musa bolo zara, Musa bolo zara,
आहा ये पेड़ कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। देखो बर्फ, ये कितना अच्छा रास्ता आ रहा है, कलर देख रहा, कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। 19 मिनट का सफर। कितना प्यारा वो उस साइड लग रहा है। शाबाश कर मुकरम, तो वीडियो बना रही हूँ ना मैं, बस अब देखो वीडियो। अरे कार बहुत अच्छी है, घर तो मुझे देख कितना प्यारा लग रहा है, घर ही अच्छे लग रहे हैं। आवाज कट कर देना, हमारी सारी बातें आ रही है, क्या क्या हो रहा है। उल्टी आती है, घर में भी बैठा करो, फिर इधर आने की जरूरत थोड़ी है। करो बात सर, तू चके दो जैकेट, मुझे ये जैकेट में भरता है, कुछ बंद रहता है तो वापस शुरू। मैं पहले से प्लान कर रहा हूं, दिखाया करो ना बर्फ, दिखाया करो, तेल चला चला के बर्फ देखनी है। और जब घर में पड़ती बर्फ तब हम बाहर नहीं निकलते, मैं दरवाजा भी नहीं खोलती हूँ। ये आप देख सकते हो बिल्ली कैसे बैठी हुई है,
ये धूप में बैठी है बिल्ली, ये देखिए कितनी क्यूट बिल्ली है, ये देखिए बिल्ली बिल्ली, ये देखिए कितने आराम से बैठी है। एक बिल्ली भागी एक तरफ है, तो मैं चाहती हूँ घर की तरफ। ये हमारा घर है, ये देखिए, तो ये हमारे जो छोटे छोटे हमने पौधे लगाए हैं, ये देखिए ये चिलगुजी है, कितना बड़ा हो गया है, चिलगुजी है, ये एलोवेरा है, और ये एक और खूबसूरत सा पौधा है, ये एक और है, ये एक और है, ये दूसरा, ये देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे पौधे हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये दूसरा है, ये और अलग से है साथ में, इसमें नींबू का पेड़ है, ये छोटे 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 छोटे, ये कुछ इधर कुछ इधर, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, ये एलोवेरा, तीसरा, ये आप देख सकते हैं कितना ही प्यारा लग रहा है, आप देख सकते हैं ये बिल्ली बैठी हुई है, ये तो बिल्ली है, इसको मैं पहले बताऊंगी, ये देखिए ये वो देखिए बिल्ली भागी, ये बाहर के नज़ारे हैं देख सकते हो, ये देखिए ये देख सकते कितना खूबसूरत लग रहा है, कुछ वहाँ नीचे कुछ वहाँ ऊपर है, कुछ इधर है, कुछ यहाँ पे بسم الله الرحمن الرحيم मैं मोहम्मद जैद खान बोल रहा हूँ बदरुआ से। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें अगर आपको अच्छी लगी तो। मैं आपको सूरह अल फातिहा सुना रहा हूँ, द ओपनिंग। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौम الدين इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। अब मैं आपको इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनाऊंगा। इन द नेम ऑफ अल्लाह द कंपैशनेट द मर्सीफुल, प्रेज बी टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स द कंपैशनेट द मर्सीफुल, मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, यू अलोन वी वर्शिप एंड यू अलोन वी टर्न फॉर हेल्प, गाइड अस टू द स्ट्रेट पाथ, the path of those who have you have favored, not of those you have incurred your wrath,
daughter of those who have gone astray. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. डिंग डिंग मूसा बाबा मूसा बाबा मूसा बाबा करा अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 मूसा बाबा अल्लाहु करा अल्लाह डिंग 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 trai Wagner. Şabaz do pogdu. Utho apni maaz padho. दादू को दो, ये पहले दादू को दो, दो दादू को, जाओ दादू को दो, जाओ तो दादू को झूठ है।
खुदा के खौफ से डर के भलेस के संगला पहाड़ियों में
रियासत जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज भले इसकी तालीम का लोहा माना जाता है। बहरहाल इस सिमत में नहीं जाऊंगा, मैं मोहतरम कुयूम साहब को और इनके पूरी परिवार को दिल की अमीक तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो बड़ी इज्जत के साथ, बड़े विकार के साथ, बड़ी शान और शौकत के साथ 21 बल्कि 26 साल एक लंबी सर्विस को मुसाफत करते हुए इज्जत और शान के साथ आज अपने घर की तरफ इस जमे गफीर में लौट के जा रहे हैं। खुशकिस्मती है इनकी, अगर आप आज के दौर पर नजर दौड़ाएं तो आए दिन हम खबरों में सुनते हैं कि इतना बुरा शोक दौर है जहां भाई भाई को कत्ल करने के लिए तैयार हो जाता है, जहां एक माँ जो है वो अपने बेटे का गला काटने के लिए तैयार हो जाती है। आज आज एक इंसान दूसरे इंसान की कीचड़ उछालने में कोई दकीका बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे दौर में कुयूम साहब अगर आपके सर पे ताज चढ़ता है तो मैं कहता हूँ आपसे खुशकिस्मत कोई इंसान नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि हमारे साथी, मैं इसलिए भी मुबारकबाद इनको दूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये दिन देखने को नसीब किया, वरना कितने ही हमारे साथी हैं जो महकमा के अंदर आए लेकिन ये दिन देखने को नसीब नहीं हुआ। किसी ने 2 साल सर्विस करके इस जहाने पानी से कूच किया, कोई 10 साल सर्विस करके इस जहाने पानी से कूच किया, तो मुबारकबाद के मुस्तक है आप और आपका कुंबा, आपके बच्चे, ये नौनिहाल बच्चे, ये जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये जो टैलेंटेड बच्चे हैं, ये खुशकिस्मत है कि आप जैसा इंसान जो है यंग और पूरा सेहतमंद, तंदुरुस्त, सेहतयाब होके जो है इस महकमा को छोड़ रहे हैं। इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। इसके अलावा अगर आप आज के माहौल पे नजर मारोगे जहां रियासत की तारीख बदल गई, जहां रियासत की जोग्राफिया बदल गई, जहां रियासत का सारा निजाम बदल गया, यहां तक यहां की सिविक्स और इकोनॉमिक्स भी तब्दील हो गई, और ऐसे दौर में मुलाजिम के लिए कितनी कठिनाइयों का जो है दौर दौरा है, इन कठिनाइयों के दौर में जब मैंने वो वक्त भी देखा है कि एक मुलाजम के लिए स्टेज सजा हुआ है, माइक लगी हुई है और शाम को उसका सस्पेंशन ऑर्डर आ जाता है और सुबह वो माइक वैसी की वैसी रह जाती है और बेइज्जती इतनी ज्यादा हजीमत क्या आप अंदाजा नहीं कर सकते। फिर ऐसे दौर में अगर कुयूम साहब शान व शौकत और जुलूस में घर की तरफ जाते हैं तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। बहरहाल मैं इक्तफा करूंगा लक्ष्मीकांत जी की तकरीर पे, मैं इक्तफा करूंगा, तस्दीक करूंगा इशरत साहब की तकरीर को, मैं तस्दीक करूंगा निसार साहब की तकरीर को, मैं तस्दीक करूंगा लक्ष्मीकांत जी की तकरीर को, जितने भी मुकर्रर आए अभी जिन्होंने अपनी अपनी तकरीरें की, मैं उन्हीं की तस्दीक करते हुए मैं ये कहूंगा कि हमारा काम जो है बशमूल कुयूम साहब, हमारा काम जो है वो जो है वो जो जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना है, इंसानी कदरों को पैदा करना है, इंसानी वसाइल का बढ़ाना हमारा काम है और इस इंसानी वसाइल को बढ़ाने में मैं सिर्फ 2 मिसालें दूंगा। एक तो ये कहूंगा कि हमें इत्तेहाद की जरूरत है। मिसाल, एक पत्थर अपने हाथ में लीजिए और चल दीजिए आगे की तरफ, आपके रास्ते में कुत्ता आता है, उस कुत्ते को आप वो हाथ में पत्थर फेंक दीजिए, कुत्ता भाग जाएगा। उसके बाद आप वही पत्थर हाथ में लीजिए और आगे चल के जरा जाइए और भीड़ ये जो हमारे शहद की मक्खियों का छत्ता है उसको दे मारिए, क्या शहद की मक्खियां भागेंगी? लेकिन आपको भागना पड़ेगा। एक मिसाल ये है कि हमें पत्थर वही है, इंसान भी वही है, लेकिन एक जगह आपका दुश्मन भाग जाता है लेकिन दूसरी जगह आपको दुश्मन से भागना पड़ता है, लिहाजा एक बात यह है। दूसरी मिसाल मैं दूंगा, दूध गाय भी देती है, दूध सौर भी देता है। मेरे उस्तादिज़ा किराम और जितने भी पेरेंट्स यहाँ हैं, मेरे बच्चे सुन रहे हैं, दूध गाय
भी देती है, दूध हम गाय से भी हासिल करते हैं, दूध हम सौर से भी हासिल करते हैं, लेकिन दोनों में कितना फर्क है ये इसका हम अंदाजा कर सकते हैं। सौर का दूध जो है सिर्फ उसके बच्चे को पालने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन गाय का दूध हम चाय में भी डालते हैं, गाय के दूध से हम दही भी बनाते हैं, गाय के दूध से हम मक्खन भी बनाते हैं, गाय के दूध से दुनिया भर की मिठाइयां बनती हैं और वो दुनिया के हर मुंह में मिठास पैदा करती है, लिहाजा जरूर। Honorable Chief Guest, respected radio, teachers, students, and all my dear brothers and sisters, I, Usha Kuyum Zarkar, wish you all a very happy good afternoon. Thank you so much, everyone, for coming in my dada's retirement. At first, I would like to thank my dada for everything he has done for me. Thank you so much, my dear dada, for everything. You are my inspiration. I can't imagine my life without you. मैं आप सबको बताती हूँ, मेरे डैडी मैरिड ऑन 22 फरवरी 2022, बट व्हेन शी वाज इल मैं और दादी बेड पे सोते थे और डैडी 5 साल नीचे सोते थे। उसी टाइम में मेरे डैडा की हेल्थ खराब हुई, डैडा को दोनों किडनीज में स्टोन थे, डैडी को ऑपरेशन हुआ था, बट फिर भी मेरे डैडी कभी 2 बजे उठते थे, कभी 3 बजे उठते थे, बिकॉज मेरी दादी बीमार थी उस टाइम पे और उनको कभी भूख लगती थी, कभी दवाई चाहिए होती थी, और डैडी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। मैं आप सबको बताती हूँ मेरे डैडी मेरे इंस्पिरेशन क्यों है। अगर हम रास्ते में कहीं जा रहे होंगे और डैडी अगर किसी से टकरा जाए, अगर गलती उनकी होगी तब भी सॉरी मेरे डैडा कहेंगे, बिकॉज डैडी कहते हैं कि किसी को माफी मांगने से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाती। मेरे डैडी बेस्ट पर्सन है इन दिस वर्ल्ड में। माय डैडा इज बेस्ट स्टूडेंट, बेस्ट ब्रदर, बेस्ट सन। माय ग्रैंडमा पास्ड अवे ऑन 22। टनल में अगर से छोड़ेंगे क्रिकेट खेलेंगे इधर बाहर भी घूमने हो जाएगा, मत हो जाएगा।